हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है डबल ब्रेड ड्रॉप हेयर स्टाइल फॉर टीनेजर्स। देखिए, टीनेजर्स को जो है बहुत ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स का बहुत शौक होता है, तो आज मैं टीनेजर्स के लिए ही एक डबल ब्रेड ड्रॉप हेयर स्टाइल लेके आई हूँ जो कि बहुत ही स्वीट लगती है। तो देन स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक टेल कॉम है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है हमारे हेयर्स को टू सेक्शंस में डिवाइड करना। तो मैं क्या करती हूँ, टेल कॉम की हेल्प से अपने हेयर्स को यहाँ से टू सेक्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ, लाइक दिस। तो मैंने क्या किया है, अपने हेयर्स को टू सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। अब हमारे जो ये वाले हेयर्स हैं ना, इन्हें मैं अपने क्लिप की हेल्प से सेपरेट कर देती हूँ। इस तरह से इन्हें सेपरेट कर लिया है, और इसमें फर्स्ट जो रॉ ब्रेड है मैं इस वाले इन वाले हेयर्स में क्रिएट करूँगी। तो देखिए, हम डबल रॉ ब्रेड हेयर स्टाइल है ये, स्पेशली टीनेजर्स के लिए है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही यूनिक और सुंदर लुक आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक सेक्शन लेना है, दिस वन। ठीक है, ये सेक्शन लेकर आपने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसे इस तरह से मूव करना है। आप चाहें तो यहाँ से कुछ हेयर्स छोड़ सकते हैं, ये आपकी विश है। अगर आप इन हेयर्स को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये आपकी विश है। मैं यहाँ से इन्हें छोड़ रही हूँ थोड़ा सा सेक्शन, ये, और इस तरह से इन्हें मैं रोल कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, रोल करते हुए मैं नीचे जाऊंगी और नीचे जाते जाते ऐसे ही कुछ हेयर्स उठाऊंगी और अपने साइड वाले हेयर से मिक्स करके उन्हें ऊपर की तरफ ले जाऊंगी, और इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन तक मुझे एक प्रॉपर हेयर स्टाइल की पैटर्न मिल जाएगा, लाइक दिस। अब ये देखिए, यहाँ तक मैं आ चुकी हूँ, और मैंने क्या है, यहाँ पर इन हेयर्स को मैंने सेपरेट किया है और यहाँ पे मैंने एक पैटर्न क्रिएट कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो हेयर्स हैं ना, ये वाले जो हेयर्स हैं, आपने इन्हें सिक्योर करना है। तो हमने इन्हें क्या करना है, हम इसे फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करने के बाद अगर आप रबर बैंड डालते हो ना तो आपको वो कट करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पे अप लिया है अपना क्लचर, तो मैं यहाँ पे अपना क्लचर ले लेती हूँ, कोई भी छोटा सा क्लचर जो मेरे पास होगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास क्लचर जिसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ अच्छे से। ठीक है, इसको लगाने के बाद अब मैंने सारे हेयर्स को छोड़ दिया और इन्हें मैं इस तरह से कॉम कर लेती हूँ। कॉम करके मैं अपने हेयर्स को टू सेक्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ। अब मुझे जो है अपनी पूरी ब्रेड को इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन इस तरह से फोल्ड होने के लिए सबसे पहले मुझे इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करना होगा, मतलब कि इस तरह से। अगर मैं अपने ब्रेड को इस तरह से, यानी कि अपने हेयर्स को इस तरह से फोल्ड करूंगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो उस तरह उस साइड रहेगी जो मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं इसको इस डायरेक्शन में अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करनी है आपको ये इस डायरेक्शन में। हम इस डायरेक्शन में क्यों फोल्ड कर रहे हैं, ताकि जो हमारी दोनों दो हमारी रोप्स बनेंगी ना, वो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड हो, इस वजह से हम इसे इस डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे हैं। आपको ये अब समझ में आ जाएगा, आप जरा वेट कीजिए। तो देखिए, मैंने ये जो है एक फोल्ड ले लिया, इसको मैंने होल्ड करके रखना है अपने हैंड की हेल्प से ही। अब ये जो मेरे दूसरे हेयर्स हैं ना, इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ, और दूसरे हेयर्स को भी मैं इसी तरह से, इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैंने ये वाले हेयर्स फोल्ड किए थे, उसी डायरेक्शन में फोल्ड कर लेती हूँ। सेम, बहुत टाइट फोल्ड करना है, ये जो फोल्डिंग के प्रोसेस है बहुत टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज हो हुआ तो आपके जो ब्रेड है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ टाइटली फोल्ड करें।
जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आप किसी और से करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी और से नहीं करवा सकते तो जिस तरह मैं कर रही हूँ आप इसी तरह कीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे दो फोल्ड आ गए हैं, एक ये वाला, इसको मैंने थोड़ा लूज है, इसको मैं और ज़्यादा टाइट कर देती हूँ, मेरा फर्स्ट वाला। अब देखिए ये जो है मेरे पास दो फोल्ड आ गए हैं, मैंने सेम डायरेक्शन में दोनों फोल्ड लिए हैं। अब मुझे फोल्ड मैंने इस तरह से किया था, लाइक दिस, ये वाला फोल्ड लिया था मैंने, ये वाला फोल्ड मैंने इस तरह से लिया है। लेकिन अब मुझे टर्न कैसे करना है ओपोजिट डायरेक्शन में, कैसे, इस तरह से। किस तरह से टर्न होगा, ओपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से। ये इस तरह से हमारा जो है ये फोल्ड होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फोल्ड कर रही हूं। ये इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपने इसमें रबर बैंड डालनी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे है मेरी रबर बैंड, दिस वन, और मैंने यहाँ पे इसे डाला। रबर बैंड डालने के बाद आपने इसको लूज छोड़ना है और इसे फिर से फोल्ड करना है। तो ये देखिए आपकी जो है वन बिट, और ये जो आपका क्लचर है ना, इसे उतार दें, और उतारने के बाद यहाँ पे अपनी क्लिप से यू पिन में डाल के अटैच कर लिया, लाइक दिस। इसको थोड़ा वॉल्यूम दें। तो ये देखिए आपके फर्स्ट ब्रेड जो है वो रेडी है। इस तरह से आप जो है अपनी फर्स्ट ब्रेड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड ब्रेड पे। सेकंड ब्रेड भी हमने क्या करना है, इसी तरह से कॉम करना है। कॉम करके यहां से थोड़े से हेयर्स लेने हैं। हेयर्स लेके हमने इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए, थोड़े से हेयर्स फ्रंट के मैंने छोड़े हैं, और इसमें अटैच करते हुए मैं इसे फोल्ड करूंगी, जैसे मैं पहले कर रही थी, सेम वही प्रोसेस हमने रखना है। ये देखिए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन तक आए, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे फोल्ड करके यहाँ पे क्लचर लगा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लचर लिया है, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इसे टाई अप कर देती हूँ। टाई अप करके मुझे क्या करना है, अपना टू सेक्शंस में इसे डिवाइड करना है, और दोनों को इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे फोल्ड करना है। सबसे पहले ये वाला कर रहे हैं हम फोल्ड, नीचे तक लेके आना है हमने इसे, ठीक है। तो ये हमारा फोल्ड हो गया, अब हम ये वाला फोल्ड कर लेते हैं। अच्छे से सारे हेयर्स को होल्ड करें और इसे फोल्ड करना स्टार्ट करें। बहुत इजी है ना, आप देख रहे हैं ना मैं किस डायरेक्शन में फोल्ड कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है, फिर कहोगे कि मैंने आपको बताया नहीं। अगर आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपकी ब्रेड बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना। तो ये हमारी दो है जी प्रिपेयर हैं। अब इन दोनों को पकड़ के, सेकंड मेथड है, इन दोनों को पकड़ के मैंने क्या किया है, डायरेक्टली रबर डाल दी इसमें। डायरेक्टली मैंने क्या किया इसमें, रबर डाल दी। अभी मैंने इन्हें फोल्ड नहीं किया, क्योंकि ये फोल्ड ये अपने आप ही हो जाती हैं। अब ये अपने आप ही इस तरह से आप इसे फोल्ड कर दें, इस तरह से ये फोल्ड हो गई। फोल्ड होने के बाद आप अपना क्लचर निकाल सकते हैं, और क्लचर निकालने के बाद आपको यहाँ से इनको फिक्स ज़रूर करना है। तो आपने क्या करना है, अपने यू पिन की हेल्प से अपने हेयर्स को यहाँ से फिक्स कर लें। फिक्सिंग ज़रूर करनी है,
तो ये देखिए हमारी जो है डबल रोप ब्रेड जो है वो रेडी है। इस तरह से आप डबल रोप ब्रेड हेयर स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो आप स्कूल में भी कर सकते हैं। ये स्पेशली टीनेजर्स के लिए है, ये देखिए। तो आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।